राजपूत कर्णी सेना ने प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री विसाहूलाल सिंह का पुतला फूंका है और विसाहूलाल मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। दरअसल मंत्री विसाहूलाल सिंह ने एक बयान दिया था कि सवर्ण महिलाओं को भी काम के लिए घर से खींचकर बाहर निकालें और काम कराएं, तभी आएगी समानता। इस बयान को लेकर अब मामला विरोध में आया है, जिसके बाद फुनगा में सर्वजन सुखाय सामाजिक संस्था ने नारी रत्न समारोह में पहुंचे सूबे के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री विसाहूलाल सिंह के बयान से विवाद का मामला सामने आया है, जिसमें आज राजपूत कर्णी सेना ने जिलाध्यक्ष राम सिंह बघेल के नेतृत्व में वीरसिंहपुर पाली में नगर में रैली निकालकर एसडीएम पाली नेहा सोनी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री विसाहूलाल सिंह के इस्तीफे की मांग की है। कल अनूपपुर में एक भाषण देते हुए मंच से कहा गया कि ठाकुर आकुर की जो महिलाएं हैं उनका हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाला जाए और काम करवाया जाए, और अशोभनीय टिप्पणी ये बहुत ज्यादा। आप लोग ये सोचिए, उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का कहना है कि पूरे प्रदेश की माताएं बहनें मेरी बहनें हैं, मैं सबका मामा हूँ, भाई हूँ, और उन्हीं के मंत्री द्वारा ऐसी अशोभनीय टिप्पणी की जा रही है, जो ठाकुर समाज या किसी समाज की बात हो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी मांग है उनका इस्तीफा, उनसे इस्तीफा लिया जाए, एवं जब तक इस्तीफा नहीं होता है तब तक पूरे प्रदेश में आंदोलन चलता रहेगा।